हेलो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है एल्कलिनिटी एंड ई डी टी ए मैथड विच इज़ इन योर यूनिट वन ओके कंटेंट्स वाटर एनालिसिस ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कलिनिटी एंड ईडी टी ए मैथड्स टाइप्स ऑफ एल्कलिनिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ई डी टी ए इज एल्कलिनिटी

आयन्स की वजह से होती है उसमें खास तौर से जो रिस्पॉन्सिबल हैं दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन कार्बोनेट आयन एंड बाई कार्बोनेट आयन यूजेज ऑफ एल्कलिनिटी एल्क्निटी इज यूज टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन इंडस्ट्रियल यूज रॉ वाटर कैरेक्टराइजेशन एंड वाटर एंड वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज एन इंडिकेटर ऑफ अ वाटर बॉडीज़ एबिलिटी टू रजिस्ट पी एच चेंज विद द एडिशन ऑफ एसिड फ्राम एन एक्सीडेंटल स्पिल और एसिड प्रेसिपिटेशन एल्क्निटी से ही हम वाटर की सुटेबिलिटी चेक कर सकते हैं हमें वाटर की जो सुटेबिलिटी चेक करनी है जिस परपज़ से हम वाटर को यूज़ करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से एल्क्निटी का पता होना बहुत ज़रूरी है Main constituents causing alkalinity in water that is hydroxide ion only, carbonate ion only, bicarbonate ion only, hydroxide and carbonate together, and carbonate ion and bicarbonate ion together. These are the constituents which are responsible for alkalinity in water. The possibility of hydroxide ion and bicarbonate ion together is ruled out. It is interesting. बाय कार्बोनेट एंड बाय कार्बोनेट आयन्स एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते इसको हम इस रिएक्शन से देखेंगे कि अगर वो एक साथ प्रेजेंट हैं हाइड्रोक्साइड आयन एंड बाय कार्बोनेट आयन तो वो बनाते हैं सी ओ टू एंड एच टू ओ तो उनका एक साथ प्रेजेंट होना पॉसिबल ही नहीं है दस हाइड्रोक्साइड आयन एंड बाय कार्बोनेट आयन्स कैन नॉट एडजस्ट टूगैदर इन वाटर ऑन द बेसिस ऑफ सेम रीजनिंग All the three hydroxide ion, bicarbonate and carbonate ion cannot exist together. These are the result of titration, देयर आर uh, यहाँ पर दो वैल्यूज़ दी गई हैं एक फिनॉथलीन इंडिकेटर के साथ में और सेकंड है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ में जिसके बेसिस पर हमको एल्कलिनिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ थ्री कॉलम्स बनाए गए हैं एक हाइड्रोक्साइड एल्कलिनिटी को बता रहा है दूसरा कार्बोनेट एल्कलिनिटी को बता रहा है तीसरा बाई कार्बोनेट एल्क्निटी इसके बेसिस पर हम वाटर की एल्कलिनिटी डिसाइड कर सकते हैं नेक्स्ट है

While permanent hardness is due to the presence of dissolved chlorides and sulphates of calcium, magnesium, iron, and other heavy metals. Temporary hardness of water can be removed by prolonged boiling, as we know that very well, due to the evolution of CO2 and precipitation of the carbonate of the calcium and magnesium. This is the structure of EDTA. The full form of EDTA is. इथैलिन डाई एमिन टेट्रा एसिटिक एसिड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ई डी टी ए इन दिस टाइट्रेशन वी यूज वन इंडिकेटर दैट इज ईरियोक्रोम ब्लैक टी एंड इसमें हम वाटर की हार्डनेस को इवेल्युएट करते हैं इरियोक्रोम ब्लैक टी जब हम वाटर सैंपल में मिलाते हैं तो उसका कलर हो जाता है वाइन रेड कलर जब हम उस वाइन रेड कलर इरियोक्रोम ब्लैक टी के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो वाइन रेड कलर का बनता है दैट इज़ अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है जब हम इसका ई के साथ में टाइट्रेशन करते हैं उस कंडीशन में इरियोक्रोम ब्लैक टी का अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक हो जाता है एंड अब हमारे जो हार्डनेस कॉजिंग आयंस हैं जैसे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस वो ई uh, के साथ में मिलकर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि पहले कलरलेस होगा और एंड पॉइंट पर जब uh, पूरे कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएंगे तब इरियोक्रोम ब्लैक टी अलग हो जाएगा दैट इज़ ब्ल्यू इन कलर तो लास्ट एंड पॉइंट पे जो हमें कलर मिलता है वो ब्ल्यू कलर मिलता है

उसके बाद में वो कलर हमारा पिंक रेड में थोड़ा सा कन्वर्ट होता है जैसे ही हम इसमें ई डी टी ए टाइट्रेशन करना स्टार्ट करते हैं ई डी टी ए के ड्रॉप्स डालना स्टार्ट करते हैं तो हमारा ई डी टी ए की ड्रॉप डालने की वजह से वाटर सैंपल का जो कलर है वो कलरलेस होने लगता है ये इंडिकेट करता है कि जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना था ई वी टी के साथ में वो अब ब्रेक होने लगा है और वाटर के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने लगा है लास्ट में एंड पॉइंट पर हमको ब्लू कलर मिलता है Thank you.